कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जमकर पसीना बहा रहे हैं। यहां 5 मई को वोटिंग होनी है, इससे पहले कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों का पूरा इस्तेमाल कर रही है। प्रचार का काम 3 मई की शाम तक चलेगा। ऐसे में तेजी से प्रचार में जुटे राहुल गांधी उन इलाकों में रैलियां करते नजर आए जहां उन्हें उम्मीद है कि वो विरोधियों के गढ़ में सेंधमारी कर पाएंगे। राहुल ने बुधवार को मांड्या में रैली की जो बीजेपी का गढ़ है, फिर शिमोगा में प्रचार किया जो कर्नाटक जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा का गढ़ माना जाता है। इसके बाद राहुल ने हासन में चुनाव प्रचार किया। हासन जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा का गढ़ है। राहुल इन तीनों इलाकों में पहुंचकर विरोधियों पर जमकर गरजे। उनकी कोशिश विरोधियों के वोट बैंक में सेंध लगाने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा निशाना बीजेपी पर साधा। कर्नाटक में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके बीएस येदियुरप्पा को अपनी जीत पर पूरा यकीन है। इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने येदियुरप्पा से खास बातचीत की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऐसे में सारे नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि अंतिम दौर में ही राजनीति के मोहरे बदले जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्नाटक में सबसे बड़ी भूमिका और सबकी नजर अगर किसी पर है तो वो है येदियुरप्पा पर, कर्नाटक जनता पार्टी पर। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए येदियुरप्पा जी खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चुनाव सामने है और आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती, अ मेजर चैलेंज बिफोर यू। डेफिनेटली पब्लिक रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। विद इन 4 months आई एम एबल टू contest about 209 assembly constituencies. I have told almost 180 to 190 assembly constituencies. Everywhere response is more than our expectation. Definitely we are going to get absolute majority in this assembly elections. Yedi ji, BJP ka aisa kaun sa neta jo BJP ko khatm kar raha hai? Aapko kya lagta hai ki jiski wajah se BJP aaj minimize ho gayi hai Karnataka? Because of our Anant Kumar and Lal Krishna Advani ji, some of the Advani is very proud of Anant Kumar. Some he wants to get back him to Karnataka. That's why he has unnecessarily questioned my credibility and unnecessarily created problem. And अगर बात हो यदि जी मोदी और आडवाणी के बीच की, देश में प्रधानमंत्री कौन हो बीजेपी की तरफ से, तो आप किसे बेहतर मानेंगे, मोदी? Told you long back, if at all if is any important man left out in BJP is only Modi. If at all if there is any future, only because of Modi. If not, there will be no more in the country. लिंगायत वोट जो है शेट्टार और आपके बीच में, आपकी लिंगायत समुदाय में बहुत बड़ी ताकत है ऐसा माना जाता है, तो अब वो वोट अगर बटेंगे तो जेडीएस को ये लग रहा है कि उन बटने के वोटों का फायदा उनको हो जाएगा। Lingayat community or any other community, they know my performance. They are happy about my performance, about candidates. Definitely there will not be any split at all. They will come together and they will vote KJP and they will support, and I am going to get absolute majority. Final question, that mujhe aisa lagta hai ki aakhri sawal, yahan pe is pure chunav mein game changer kaun hoga? Kya Modi ki lokpriyata यहाँ पर बीजेपी के लिए कोई स्थिति खराब है? इट विल नॉट इफेक्ट, इट विल नॉट इफेक्ट, बिकॉज मोदी मेट अटेंडेड वन आर टू मीटिंग्स इन बैंगलोर, ही मे बी गोइंग टू अटेंड अनदर वन आर टू मीटिंग्स, दैट देयर विल बी नो चेंज फॉर बिकॉज ऑफ हिज टूर एट होम। यदि जी एक आखिरी सवाल, लास्ट पंच, कैसी भी स्थिति आई, एनी सिचुएशन अराइजेस, येदियुरप्पा विल नॉट गो विद बीजेपी? BJP? At any cost, at any, if necessary, I will sit in opposition party. I will not go with BJP. I will not support BJP at all. तो तेवर देखकर साफ लगता है कि KJP के नेता येदियुरप्पा किसी भी सूरत में
बीजेपी को तो राम राम कर चुके हैं, और अगर राजनीतिक दृष्टि से भी अगर कर्नाटक में ऐसे हालात बने कि केजीपी के समर्थन की जरूरत हो तो वो कतई नहीं देंगे। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ मनीष अवस्थी, बैंगलोर, इंडिया न्यूज। कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा करने वाले जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा से भी पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने खास बातचीत की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऐसे में हर नेता, हर पार्टी का नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। विधायक से लेकर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने वाले एचडी देवेगौड़ा भी दिन रात एक किए हैं, और वो इस वक्त इंडिया न्यूज के साथ हैं उन तमाम बातों पर खुलकर चर्चा करने के लिए कि आखिर कर्नाटक चुनाव में होगा क्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेगौड़ा साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इंडिया न्यूज चैनल एंड गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई व्यूज अबाउट द चैलेंजेस बिफोर अस। देवेगौड़ा साहब, कर्नाटक को लेकर सारा देश नजरें गड़ाए हुए है कि आखिर क्या होगा, और ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा एक जो मुद्दा उभर के आया है, जो देश में तस्वीर आई है, वो तस्वीर है भ्रष्टाचार। द इलेक्शन टुडे इज एन इंडिकेटर फॉर द नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन। द पार्लियामेंट इलेक्शन इज लाइकली टू बी हेल्ड इन 2013 इट्सेल्फ, और इट मे बी हेल्ड एज पर शेड्यूल इन 2014। बट द इश्यू टूडे इन्वॉल्व इन कर्नाटक इज ए रियल टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द बीजेपी एंड कांग्रेस, द टू नेशनल पार्टीज वर्सेस ए रीजनल रिकग्नाइज्ड पार्टी जेडीएस।